गाइस आज पता चलेगा कि रेस में कौन जीतता है, शिनचैन चोब या फिर मैं। वैसे ना काफी दिनों से ये बोल रहे थे कि रेस में सिर्फ ये ही जीत सकते हैं, ये काफी ज्यादा तेज भागते हैं। चलो रेस शुरू हो चुकी है, शिनचैन और चोब देखते हैं कौन आगे निकलता है। इन दोनों को तो मैं निकलने नहीं दूंगा, अभी आ जाना शिनचैन और चोब। तुम दोनों तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम दोनों मुझे हरा कर रहोगे, लेकिन भैया आपने तो चीटिंग की है, स्टार्ट होने से पहले ही भाग गए आप। मुझे लगता है शिनचैन मैं तुझसे आगे निकल जाऊंगा, मुझसे भागने क्यों नहीं हो रहा आज। अरे इसलिए तो बोलता हूँ रात को दूध पी के सोया करो ताकि तुम लोगों की हड्डियाँ मजबूत हो और तेज भाग सको तुम लोग। अरे गाइस इन दोनों को तो पहुँचने नहीं दे रहा और तुम लोगों का बाइक जीत चुका है। गाइस मैंने इनको बोला था ना कि इनको मैं हरा कर रहूंगा। अरे बस शिनचैन चोब तुम दोनों की बोलती बंद होगी ना, बोला था ना कि मुझसे पंगा मत लो। वैसे भी गाइस इन दोनों को मैंने बताया हुआ कि मैं काफी ज्यादा रेसे जीता हूँ, लेकिन यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन आज लगता है मुझे इन्हें यकीन आ गया होगा। फ्रैंकलिन भैया वो तो लग पाता है कि आज मैंने सही से खाना नहीं खाया था, वरना ये रेस तो मैं जीत ही जाता अच्छे से। शिनचैन तो कितना झूठ बोलता है, सुबह पेट भर के पिज्जा जो खाया था तूने और साथ में मेरा बर्गर भी खा गया ये। चुप तेरे से ना चुप नहीं रहने होता, सारी की सारी बातें बताना लाजमी है फ्रैंकलिन भैया को। क्या शिनचैन इसमें क्या, मैंने तो सच ही बोला सिर्फ। अरे गाइस देखा ना इन दोनों का सच निकल ही आया बाहर। चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम तुम दोनों के साथ फिर से रेस करूंगा और देखेंगे कि फिर कौन जीतता है। गाइस अभी हमें जाना पड़ेगा और मैं अभी काफी ज्यादा थक चुका हूँ, सुबह से खाली पेट भाग रहा हूँ। एक तो जॉगिंग करने आए थे और इन दोनों का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे भी इनके साथ रेस करनी है और मैं जीत चुका हूँ अब। एक मिनट, वो सब तो ठीक है, ये सामने इतनी रश क्यों लगी हुई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अरे ये क्या है, लॉस सैंटोस के सिटी वालों के लिए खुशखबरी है, अब लॉस सैंटोस में वो सब कुछ मिलेगा जो किसी के पास भी नहीं था। जी हाँ, थोर के सूट। अगर आप थोर के सूट खरीदना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा प्रीमियम डीलर शॉप पर। थोर के सूट $1 से लेकर $100 million तक, जिसे भी खरीदने हैं ये सूट वो ऑनलाइन खरीद सकता है। तो यही टाइम है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से सूट को खरीदिए और साथ में थोर के सूट के पावर के मजे भी लीजिए। आप इन सूट को घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, तो जल्दी से थोर के ऑनलाइन स्टोर को ओपन कीजिए और ये सूट बाय कर ले। शिनचैन और चोब यानी के थोर के सूट बिक रहे हैं। गाइस आप लोगों को पता ही है सुपरमैन के जितने भी सूट थे वो सारे बाय कर लिए थे हमने। शिनचैन और चोब जल्दी करो गाड़ी के अंदर बैठो। तो गाइस थोर के सूट भी बिक रहे, तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए, फिर यही मौका है जल्दी से थोर के सूट बाय करने का। शिनचैन और चोब को दोनों को मैं घर छोड़ने के बाद जा रहा हूँ सिमियन की डीलर शॉप पर, क्योंकि ये सारे सूट तो वही बिक रहे हैं तो हमें वही जाना पड़ेगा। रकीम भैया थोर के सारे सूट तो काफी ज्यादा महंगे हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि उनको खरीद सकेंगे। अरे शिनचैन और चोब शायद तुम दोनों को पता नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट मैं कर ही लूंगा। वैसे गाइस आप लोगों को थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी, गाइस अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि गाइस हम लोग ना थोर के सारे सूट को बाय कर सके। चलो गाइस अच्छा है शिनचैन और चोब को तो मैंने घर के अंदर छोड़ दिया, अब मैं अकेला जा रहा हूँ सूट को बाय करने के लिए। ये हम लोग पहुँच चुके हैं प्रीमियम डीलक्स शॉप पर, अब मुझे जाकर सिमियन से वो सूट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि थोर का पहला सूट तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, सिर्फ और सिर्फ $1 का है। अरे सिमियन तो मेरे सामने ही खड़ा है और थोर का सूट भी सामने ही है, लेकिन इस सूट में तो ना ही पावर्स और ना ही थोर के हैमर और ना स्टॉर्म ब्रेकर। सिमियन तुझे पता है कि ये सूट मैं खरीदने के लिए आया हूँ, और वैसे भी मैंने टीवी पर सब कुछ देख लिया है कि ये सूट बिक रहे हैं। फ्रैंकलिन मेरे पास सिर्फ एक ही सूट है जो मैं तुम्हें $1 का दे सकता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि बाकी सूट तुम्हें ऑनलाइन बाय करने पड़ेंगे और वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। थोर के इस सूट के अलावा जितने भी बाकी सूट है उनमें तुम्हें बहुत सारी पावर्स भी मिलेंगी। अरे गाइस ये क्या, मैं तो समझ के बैठा था कि सिमियन के पास सारे सूट हैं और मैं इसे पैसे दिए बगैर ये सारे सूट खरीद लूंगा और मेरे पास भी थोर के सूट आ जाएंगे। ये तो एक ही सूट है $1 का, ठीक है सिमियन $1 ले और ये सूट मैं लेने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग रेडियो जल्दी से इसे पहन लेते हैं, 1 2 3 एंड गो। गाइस पहला सूट आ चुका है थोर का, $1 दे के तो मैंने सिमियन से ये सूट ले लिया। ठीक है सिमियन बाकी सूट मैं ऑनलाइन परचेज कर लूंगा। अब गाइस मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा और थोर के भी मेरे पास सूट आ जाएंगे। अब थोर के सूट का कलेक्शन भी मैं अपने घर के अंदर रखूंगा। चलो यार अपनी गाड़ी तो यही खड़ी कर लेते हैं, मैं कुछ भूल रहा हूँ शायद, बाकी सूट मैं कैसे इकट्ठे करूंगा, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे, तब भी मैं ऑनलाइन सूट बाय कर सकता हूँ। अभी सिर्फ मेरे अकाउंट में $1
डॉलर है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक डॉलर का सूट जो है। मुझे जाना पड़ेगा गाइज, अभी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, तब भी तो थोर के सूट आ पाएंगे। अरे गाइज माइंड में कुछ चल क्यों नहीं रहा, कहाँ से पैसे आएंगे कुछ समझ नहीं आ रही। एक मिनट गाइज, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे सामने ना कोई गड़बड़ नजर आ रही है, मुझे छुप कर देखना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये तो लोकी है, ये तो थोर का भाई है, मुझे दूर से नजर आ गया। एक मिनट, मैं इस साइड पर आ चुका हूँ, अब मुझे सही सुनाई देगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। देखो लोकी, छोड़ दो हमें, हमें जाने दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, सामने पैसे पड़े हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम लोगों ने शायद लोकी को कमजोर समझ लिया था, अभी सब का अंजाम तुम लोग अपनी आंखों से खुद ही देखोगे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे लोकी तो इन दोनों को मार डालेगा, मुझे जाकर रोकना पड़ेगा, मुझे इन लोगों की जान बचानी पड़ेगी। अरे रुक जा लोकी, तू ऐसा नहीं कर सकता। देख लोकी, मैं तुझे नहीं मारने दूंगा, और शायद तुझे पता नहीं है थोर तुझे छोड़ेगा नहीं। देख भलाई तेरी इसी में कि तू यहाँ से चला जा। ये क्या थोर, तू मेरे रास्ते से हट जा, देख ये मेरा मामला है, तू मेरे मामले में टांग मत अड़ा, वरना मैं इस दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। ये ऐसे मारने वाला नहीं है, ये ले इसके ये जो चेले, इन्हें भी मारना पड़ेगा। इसे भी मार डाला, ये भी मर चुका है, और एक गंजा, इसे भी मार डालूंगा मैं। इन लोगों को तो मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया। ये क्या थोर का इतना भारी हाथ पड़ा, फिर भी उठकर खड़े हो रहे हैं ये। चलो अच्छा हुआ, कुछ ही मिनटों में सबको टपका डाला मैंने। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, थोर आ चुका है, अब तुम दोनों सेफ हो। इससे पहले कि लोकी होश में आए, तुम दोनों उठकर यहाँ से चले जाओ। वैसे भी गाइस, मैं थोर बन चुका हूँ, यानी कि सुपर हीरो, और सुपर हीरो होने के नाते मैंने इन दोनों की जान बचा ली। थोर, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, तुमने हम दोनों की जान बचाई है। देखो ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक सुपर हीरो हो और सुपर हीरो इसका अच्छा इस्तेमाल करेगा। ये हमें जान से मारना चाहता था, अब हम दोनों को भी जाना चाहिए, इससे पहले कि लोकी होश में आ जाए। अरे क्या, ये सारे के सारे पैसे मैं ले लूं? अरे इसकी क्या जरूरत थी अब? सच बोलूं तो वैसे जरूरत तो थी मुझे। ओके गाइस, ये पैसे तो मैंने ले लिए हैं, और मेरे अकाउंट में अब आ चुके हैं $1,00,000। चलो यार, वो दोनों भी जा चुके हैं, अब मुझे लगता है थोर का ऑनलाइन स्टोर मुझे ओपन करके ना $1,00,000 का सूट ले ही लेना चाहिए। अब जल्दी से ना थोर का ऑनलाइन स्टोर ओपन करना होगा। चलो देख लेते हैं कि $1,00,000 का कौन सा सूट है थोर का। ओके, ये रहा $1,00,000 का सूट, और जल्दी से बाय पर क्लिक किया मैंने। गाइस, हमने थोर का $1,00,000 का सूट ले लिया। अब मुझे भागकर जल्दी से देखना पड़ेगा कि इस सूट के अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, क्योंकि सिमियन ने कहा था कि $1 के सूट के अलावा बाकी जितने भी सूट है थोर के, उनमें सब में पावर्स है। वाओ गाइस, मेरे पास पावर्स आ चुकी है, और मैं इसमें काफी ज्यादा स्पीड से भाग पा रहा हूँ। अब सिर्फ चेक करना है कि क्या फ्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। गाइस, फ्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। चलो गाइस, ये सूट तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है गाइस, इस सूट के अंदर ना तो हैमर है, मायोनीर और नाइस रूम मेकर। एक मिनट, गाड़ी को पंच मारते हैं गाइस, पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, और मुझे इस गाड़ी को पंच मारने के पैसे भी मिले हैं, यानी कि अब मैं जब किसी को भी डैमेज करने की कोशिश करूंगा तो उसे मारने के मुझे पैसे मिलेंगे। ओके यार, मजा आ गया, ये तो मैं तो भाग रहा हूँ, और भाग कर इस जगह पर पहुंच चुका हूँ, रुकना पड़ेगा। ये मैं सामने क्या देख रहा हूँ, गाड़ी के अंदर तो ये वैन के अंदर काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, और मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ, ये तो पुलिस स्टेशन के सामने ही खड़ी है, ये तो नहीं ये किसी IG की गाड़ी हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसों की जरूरत है, ये जिस मर्जी की गाड़ी हो मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ। मैं अपनी जान को हथेली पर रख के इस गाड़ी को चुराने वाला हूँ, क्योंकि इसमें पैसे भी हैं, और मैंने लोगों को भी मार दिया जो आसपास खड़े थे। अब देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, कम ऑन। बस बैठ तो चुके हैं, अब जल्दी से भगाना है इस गाड़ी को, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है चारों तरफ से। नहीं 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 गाइस, अब मैं बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर निकला तो ये थोर को देख लेंगे, और उसके बाद थोर को ये सुपर हीरो की जगह सुपर विलन मानना शुरू हो जाएंगे, और हर जगह थोर के वांटेड के पोस्टर लग जाएंगे, यानी कि मेरा इस सिटी के अंदर बैन लगा देंगे ये। तो मुझे गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, ना कि अपनी पावर दिखानी है, बस पैसे लेकर भागना है। अब मुझे सिक्योर एंड सेफ जगह पर इस गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा, जहाँ पर कोई देख ना पाए, उसके बाद सारे पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, और मैं थोर का नया सूट बाय कर लूंगा। लेकिन गाइस, पहले इन पुलिस वालों से तो जान छुड़ाऊं अपनी मैं। नहीं नहीं नहीं, ये चारों तरफ से आ चुके हैं मेरी तरफ। अरे बाप रे, गाड़ी भी सही से चलाने नहीं हो रही, और मेरे पर शूट कर रहे हैं ये। नहीं नहीं, मेरा चेहरा इन्हें दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा चेहरा देख लिया तो इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि ये थोर ने किया है। मुझे अपनी गाड़ी को भगाना पड़ेगा, रुकना नहीं है। कम ऑन, ये क्या सामने भी खड़े हैं, अरे हट जाओ। नहीं 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 नहीं, सामने से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गाइस, अगर मैं इस गाड़ी को रोक कर इन्हें एक दफा सबक सिखा दूं क्या? मुझे अपनी पावर शो नहीं करानी, मुझे सूट चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। सामने भी गाड़ियां खड़ी हैं, जान बचानी पड़ेगी। अबे क्या ठुकी गंदी, सामने से एक रास्ता जा रहा है, और यही मुझे लगता है मुझे बचा सकता है। इसी रास्ते से नीचे जाना पड़ेगा। ओके यार, ओके गाइस, हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं, और सामने मुझे सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। मुझे कुछ याद है, इस जगह पर मैं पहले भी आया हुआ हूँ। मुझे याद है इस जगह पर एक बंकर भी है, और बंकर में मैं अपनी गाड़ी को छुपा सकता हूँ।
पीछे 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 जाना पड़ेगा, पुलिस वालों को भी पता नहीं है ये एक सेफ बंकर है। हो गाइस इसके अंदर चले जाते हैं जल्दी जल्दी। ओके यार गाइस जान बची तो लाखों पाए, आराम से आराम से आराम से, क्योंकि पैसे पड़े हुए हैं, सारे पैसे गिर गए ना तो अपना सत्यानाश हो जाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी अपनी। ओके 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 जाना पड़ेगा, पुलिस वालों को यहाँ से मैं नजर आ जाऊंगा ऊपर से, मुझे आगे जाना पड़ेगा। ओके गाइस ये रही सेफ जगह और हम लोग पहुंच चुके हैं, अब इस जगह पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। काफी मेहनत के बाद ढेर सारे पैसे मैं लेकर आ चुका हूँ, अब जल्दी से इन पैसों को मुझे उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये कितने पैसे हैं। चलो गाइस जल्दी से उठा लेते हैं। ओके और ये तो $5,00,000 है और मेरे अकाउंट में $5,00,000 आ चुके हैं। अब मुझे लगता है थोर का नेक्स्ट सूट बाय कर ही लेना चाहिए मुझे, वैसे भी मुझे लगता था इतने ही पैसे मुझे जरूरत थे। तो गाइस आप लोग रेडियो मेरे साथ जल्दी से थोर का ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लेते हैं। ये मैंने किया थोर का ऑनलाइन स्टोर ओपन और गाइस $5,00,000 के सूट को बाय कर लेते हैं। गाइस देखो आप लोग ये है थोर का $5,00,000 का सूट और हम लोगों के पास आ चुका है थोर का ये सूट। एक मिनट एक चीज नोट कर रहे हो क्या गाइस आप लोग, इस सूट के अंदर थोर का हैमर भी है मयूनीर। हो गाइस यार अब तो तबाही होगी। चलो यार यानी कि अगले सूट जैसे मैं बाय करूंगा तो मेरे को थोर के दोनों वेपन मिल सकते हैं, तो देरी किस बात की, फिर जल्दी करते हैं गाइस हम लोग। गाइस पावर तो चेक कर ही ली होगी इस हैमर की पूरी गाड़ी एक ही दफा ब्लास्ट कर डाली मैंने। अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा अब, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। अब तो मेरे पास पावर्स भी और हैमर भी, अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। इस साइड पर मुझे कुछ गुंडे नजर आ रहे हैं और जाकर उन्हें सबक क्यों ना सिखाया जाए फिर। गाइस कौन सी जगह पर है कौन सी। ओके ओके ये पहुंच चुके हैं हम लोग और सारे नीचे की ग्रुप में कुछ गैंग की लगता है मीटिंग थी इनकी, ये मुझे मार रहे हैं। ओके अरे तुम लोगों का ये छोटे मोटे वेपन का कोई असर नहीं होने वाला मेरे पर। चलो गाइस लगता है ये लो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, शायद गाइस इन्हें नहीं पता कि मैं थोर हूं द थंडर ऑफ गॉड। अरे कितना ही ज्यादा मजा आ रहा है, एक एक को मैं सही चुन चुन के मार रहा हूं। और गाइस आप लोगों ने देखा को मारने के मुझे ढेर सारे पैसे भी मिल रहे हैं। यार ये क्या, किसी को मारने के $200 किसी के मारने के $1,000। ओके गाइस ये सिर्फ और सिर्फ दो रह चुके हैं, मैंने सिर्फ इस सूट की तो पावर चेक करनी थी लेकिन इस पावर का मजा भी आ गया मुझे। गाइस सारे के सारे मारे जा चुके हैं, अब देखना थोर के इस हैमर से मैं कितना खतरनाक स्ट्रूम लेकर आने वाला हूँ। ओके सारी चीजें तबाह हो चुकी हैं अब, वाकई में इस सूट के अंदर जितनी पावर मैंने सोची थी ना उससे भी कई ज्यादा है, लेकिन अभी तो मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, वो कहाँ से इकट्ठे कर पाऊंगा मैं। थोर तुमने क्या समझा, तुम मेरी गैंग को मारकर बच के निकल जाओगे, हेला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, तुमने मेरी गैंग को मारकर बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया है, हेला के गुस्से का तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी थोर, मार डालूंगी। गाइस अब ये कौन है, मुझे तो इसको पता नहीं है, मुझे लगता है ये थोर की बहुत बड़ी दुश्मन है, लेकिन गाइस ये तो औरत है, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ना इसे मारना पड़ेगा। ओके गाइस ये मुझसे लड़ने के लिए आई है तो इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये क्या गाइस, मैं तो समझ रहा था ये कमजोर होगी, इसके पास कोई पावर्स भी नहीं होगी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल निकली, मेरे को तो उठने का मौका ही नहीं दे रही, मेरे पर वार करी जा रही है कब से ये। ओके मेरे सूट को आग लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गाइस ये सूट तो फायर प्रूफ है, हालांकि आग इस पर असर नहीं करने वाली। अब मैं थोर के इस हैमर से ना इसकी अच्छे से पिटाई करने वाला हूँ, अब इसे पता चलेगा कि इसके साथ हुआ क्या है। एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी है गाइस, इसे मारने के भी मुझे ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। गाइस क्या ही खतरनाक मारा मैंने इसे, थोर के हैमर का स्ट्रूम तो इस पर मैं ले आया हूँ, लेकिन ये क्या बच कैसे गई है, लेकिन अब ये नहीं बचेगी, मैंने इस पर वार करना शुरू कर दिया है, अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके वो रही सामने, अब मैं लगता है इस पर ना लाइटिंग स्ट्राइक फेंक कर इसे मार डालूं। ओके गाइस यार इस हैला के पास तो कोई शैतानी और खतरनाक पावर्स हैं, ये इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है, लेकिन हो इसे मार डाला मैंने, और गाइस लाइटिंग स्ट्राइक से भी इसे जला डाला। अब तो इसे पता चल चुका होगा कि थोर के पास कितनी पावर्स है, और गाइस इसे मारने के मेरे पास $1,000,000 आ चुके हैं। अब मेरे पास $1,000,000 तो आ चुके हैं और थोर का नेक्स्ट सूट भी मैं बाय कर सकता हूँ। वैसे मुझे एक दो दुश्मन और मिल जाएं थोर के तो उन्हें पीट करना, मैं उनसे पैसे इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन अगर वो खतरनाक हुए तो मेरी पिटाई लगा देंगे। चलो गाइस हम लोग सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है ये पार्किंग एरिया है, तो इसी एरिया पर थोर के नेक्स्ट सूट को बाय कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग रेडियो मेरे साथ, गाइस ये निकाला मैंने फोन और थोर का ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लिया। अब देखना पड़ेगा कि थोर का $1,000,000 का कौन सा सूट है, ये रहा इसे बाय कर लेते हैं जल्दी से।
गाइस हमने नेक सूट बाय कर लिया थोर का, लेकिन यार इस सूट के अंदर तो सिर्फ हमें स्टॉर्म ब्रेकर ही मिला है। पिछले वाले सूट के अंदर तो हमें थोर का हैमर मिला था, लेकिन इस सूट के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर मिला है। अब मुझे लगता है थोर का नेक सूट भी बाय करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे और उन पैसों को कैसे इकट्ठा किया जाए ये भी सोचना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, ये तो टोनी की कॉल है। टोनी की कॉल मुझे क्यों आ रही है? अब मुझे उठानी पड़ेगी। टोनी क्या कह रहा है? अरे हाँ बोल टोनी। फ्रैंकलिन तुम कहाँ पर हो? तुम्हें जल्दी से मैस बैंक की छत पर पहुँचना होगा। लेकिन टोनी हो क्या गया, बता तो सही। ये मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। फ्रैंकलिन तुम्हें मैस बैंक की छत पर जल्दी पहुँचना होगा। अच्छा यार रख, फोन में पहुँचता हूँ तेरे पास। गाइस अब टोनी को क्या दिक्कत होगी, मुझे जाना पड़ेगा। मैस बैंक मेरे सामने ही है, मैं फ्लाई करके पहुँच जाता हूँ। ओके गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और टोनी भी अपने सामने ही है। मुझे लगता है तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा सख्त जरूरत है फ्रैंकलिन, और मुझे ये भी पता है कि थोर के तुम सारे सूट बाय करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया हूँ जिसमें तुम्हें पूरे $100 मिलियन मिलेंगे और थोर का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सूट भी तुम बाय कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मुश्किल काम करना होगा। तुम्हें इस शहर में सबसे खतरनाक हो रही डील को रोकना पड़ेगा, जो कि थोर के दुश्मन मफिस्टो और मेरे दुश्मन एल्ट्रॉन के दरमियान होने वाली है। अगर तुम इस डील को कैंसिल करवाते हो, उन दोनों को मार भगाते हो, तो तुम्हें वो जो डायमंड मिलेंगे वो मेरे आगे बेच कर तुम्हें $100 मिलियन मिल सकते हैं। देखो इसमें मेरा कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन इससे हम सिटी को बचा सकते हैं। अगर मफिस्टो ने वो डायमंड एल्ट्रॉन के आगे बेच डाले तो एल्ट्रॉन इस डायमंड से कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। ओके टोनी, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों के दरमियान हो रही डील को मैं रोक डालूंगा। और वादे के मुताबिक टोनी फिर $100 मिलियन तैयार रखी। और गाइस आप लोगों को पता है $100 मिलियन मिलने के बाद मैं थोर का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सूट खरीद लूंगा। तो फ्रैंकलिन तुम्हें गोल्फ क्लब की साइट पर जाना पड़ेगा, वहीं पर ये डील हो रही है। जल्दी जाओ और इस डील को कैंसिल करवा दो। ओके टोनी समझ ले, बस ये डील कैंसिल हो गई। गाइस मैं जाने वाला हूँ इस गोल्फ क्लब की साइट पर। गाइस मुझे लगता है इसी साइट पर होगी, तो मुझे भागकर जाना पड़ेगा। ये रहा गोल्फ क्लब, और ये मैं सामने क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने ये मफिस्टो एल्ट्रॉन। तुम दोनों के दरमियान में ये डील नहीं होने दूंगा, रुक जाओ। लगता है इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस एल्ट्रॉन को। हो गाइस क्या ही खतरनाक मारा मैंने इसे। और बाकी ये क्या मफिस्टो के इतने ज्यादा क्लोन, लेकिन इनमें से रियल कौन हो सकता है, मुझे सबको मारना पड़ेगा। ये क्या मुझे मारने के लिए रियल मफिस्टो आ चुका है और मुझे इसे रोकना पड़ेगा। अरे ये तो पीटी जा रहा है मेरे को। अरे तेरे जैसे नुबड़े से मैं मार नहीं खाने वाला। अब थोर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। बस कमी है तो मेरे हैमर की। अगर ये दोनों मुझे मिल जाते ना तो आज तो इस मफिस्टो का ना मैं सही से सबक सिखा देता। लेकिन गाइस इसे मारना पड़ेगा। और ये ले मेरी लाइटनिंग स्ट्राइक, और ये भी जलकर राख हो चुका है। गाइस डायमंड तो मुझे मिल चुके हैं, अब ये टोनी को देने पड़ेंगे डायमंड, और टोनी इसकी जगह मुझे देगा पूरे $100 मिलियन। तो जल्दी से टोनी को भेज देते हैं। टोनी रेडी हो जा। गाइस मैंने ये बेच दिए हैं टोनी को। और वेट गाइस ये क्या, मेरे अकाउंट में $100 मिलियन आ चुके हैं। गाइस अब मुझे लगता है ना नेक्स्ट सूट बाय करना ही पड़ेगा। थैंक गॉड गाइस, सारे के सारे सूट मेरे बाय कर लिए थोर के। अब मुझे जाना पड़ेगा किसी सेफ एंड सुरक्षित जगह पर जहाँ पर कोई देख ना रहा हो मुझे, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कोई अगर देखेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि थोर के सूट बिक रहे हैं ऑनलाइन। वैसे ये न्यूज तो टीवी पर चल रही थी, सबको पता चल ही चुका होगा, लेकिन सबसे पहले बाय करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकलिन है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं छत पर और इस जगह पर कोई भी नहीं है, और आप लोग भी हो जाओ रेडी। जल्दी से हम लोग खोल लेते हैं ऑनलाइन स्टोर। ये मैंने खोला थोर का ऑनलाइन स्टोर और जल्दी से किया क्लिक बाय। गाइस हम लोगों के पास आ चुका है थोर का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सूट। इस सूट में तो एक अच्छी बात यह है कि गाइस इसमें दोनों के दोनों वेपन है थोर के। गाइस आप लोगों को पता था यही सूट चाहिए था, ये सूट है भी गोल्ड का। अब बस ना एक चीज चेक करनी है, मुझे थोड़ी सी पावर चेक करनी है कि इस सूट की पावर कैसी है। अब मेरे पास तो दोनों वेपन है, और दोनों वेपन से मैं क्या तबाही मचा सकता हूँ। ये गैंग वाले हैं, इन्हें तो मैंने मार डाला, इन्हें मैं एक ही दफा सेलेक्ट करके, और ये क्या स्टॉर्म ब्रेकर से मैं हिट करता हूँ हैमर को और वो उनको जाकर लगता है। ये नहीं कि मैं स्टॉर्म ब्रेकर से हैमर को हिट करके इन्हें मार सकता हूँ, इन्हें तो एक एक करके मैंने अच्छे से मार डाला। गाइस बाकी ये नीचे गिर चुके हैं, दिल तो नहीं कर रहा इन्हें मारने का, लेकिन इन्हें मार कर ही मैं जाऊंगा, क्योंकि फ्रैंकलिन आधा काम अधूरा कभी भी नहीं छोड़ता। ओके अपने स्टॉर्म ब्रेकर से तो एक एक करके ना मैंने अच्छे से इन्हें मारा। गाइस एक्सपेंसिव सूट की तो बात ही अलग है, इसके मारने का स्टाइल, इसकी पावर, एक एक हिट से ये मर जाते हैं। ओके मुझे लगता है सब मर चुके हैं, लेकिन दो अभी भी जिंदा हैं। तो ये छत पे है, ये इसे मैंने यहीं से खड़ा होकर मार डाला। लेकिन ये क्या, ये तो फिर से जिंदा है। अब एक रह चुका है, एक कहां पर है मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है बिल्डिंग की छत पर जाना पड़ेगा, वहीं कहीं होगा छुपा बैठा होगा। ये रहा सामने, मैंने सही गैस किया था, इसे भी हिट करता हूं। ओके इसे भी मार डाला।
वाला, सब गैंग वाले खत्म हो चुके हैं और अब मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए शिनचैन और चोप के पास और उन्हें बताना पड़ेगा मैंने सारे सूट बाय कर लिए थोर के। अब मेरे पास सुपरमैन के भी सूट आ चुके हैं और थोर के भी। अब जिसके भी सूट बिकेंगे वो लाइन फ्रैंकलिन छोड़ेगा नहीं, सबके सूट बाय करेगा। हम लोग तो पहुंच चुके हैं अपने घर के अंदर, शिनचैन और चोप कहां पर होंगे? ओके गाइस, मुझे लगता है अब दोबारा से नॉर्मल होना ही पड़ेगा मुझे, और शिनचैन और चोप तो मेरे सामने ही है। शिनचैन और चोप तुम्हें पता है क्या, थोर के सारे सूट बाय कर लिए मैंने। अब मेरे पास सुपरमैन के सूट का कलेक्शन भी और थोर के सूट का कलेक्शन भी आ चुका है। और पता है यार शिनचैन, काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए मुझे अब। ओके गाइज, आप लोग भी जाओ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग भी रेस्ट करो गाइज। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।